रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने 24 दिन से शहर में कर्फ्यू लगा रखा था, जहां बुधवार को प्रशासन की ओर से शहर से पूरे कर्फ्यू को हटा दिया गया है। इसके साथ ही शहर के सभी धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है। खरगोन में जिला प्रशासन ने 25वें दिन शहर से कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया। इससे पहले बुधवार को कर्फ्यू में 11 घंटे की राहत दे दी गई थी। बुधवार को हुई शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश वापस लिए जा रहे हैं। वहीं सद्भावना मार्ग पर स्थित गणेश मंदिर के पुजारी ने बताया कि लंबे समय से मंदिर बंद था और प्रशासन द्वारा मंदिर खोले जाने की अनुमति मिलने के बाद हम सब लोग प्रसन्न हैं। साथ ही कहा कि भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे शहर में सुख शांति बनी रहे। वहीं मस्जिद कमेटी के सदस्य ने कहा कि समस्त धार्मिक स्थलों को प्रशासन द्वारा खुलवा दिया गया है और हमने इबादत में यही दुआ मांगी है कि हमारे शहर देश में अमन चैन और सुकून बना रहे। हिंसा के आज 20 दिन बाद प्रशासन द्वारा एक बड़ा निर्णय लेते हुए जो धार्मिक स्थल बंद किए गए थे उन धार्मिक स्थलों को आज खोल दिया गया है। हम मौजूद है गणेश मंदिर में, जहां साफ सफाई हो रही है, दो मंदिरों को धोया जा रहा है। हमारे साथ गणेश मंदिर के पुजारी मौजूद है। आज ये इनसे जानते हैं कि क्या पूजा पाठ हो रही है मंदिर में और किस प्रकार से इन्हें खुशी मिली है। कभी मैंने बहुत दिनों बाद जब हमने मंदिर आज हमने प्रशासन द्वारा खोले गए हैं तो हमारे जो भक्तगण हैं बहुत खुश है कि हमारे प्रभु के दर्शन अब शुरू हो गए हैं। तो साफ तौर से यहाँ पंडित जी का ये कहना है कि काफ़ी दिनों से मंदिर बंद पड़े थे, पूजा पाठ नहीं हो पा रही थी, आज मंदिर खुले हैं, धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं जिससे पूजा पाठ हो रही है और जो धार्मिक लोग हैं वो यहाँ दर्शन करने पहुँचने वाले हैं। प्रवीण पाल, MP न्यूज़, खरगोन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज मस्जिद खुली गई और वहाँ पर इबादत की गई और हम तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तमाम धर्म के आस्था को ध्यान में रखते हुए सही वक्त पर सही फैसला लिया और आइंदा भी उनके जैसे भी दिशा निर्देश होंगे उसका हर धर्म हर समाज के लोग पालन करने की कोशिश पूरी करें। नमाज पढ़िए और दुआएँ भी की पूरे शहर के लिए, बल्कि पूरे मुल्क के लिए, कि अमन अमान कायम रहे, भाईचारा बना रहे और हम आपस में एक दूसरे से वैसे ही पहले जैसे मिलते थे आपस में, वैसे ही हम मिलजुल कर अपने एक दूसरे की आस्थाओं की सम्मान रखते हुए, एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए हम आपस में फिर अपनी रूटीन जिंदगी को शुरू करें। आपको बता दें कि खरगोन पूरी तरह से कर्फ्यू मुक्त हो चुका है। यहाँ के सभी लोग एक सुर में शांति व्यवस्था में मदद करने का वादा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, खरगोन।